ये कार की स्पीड दी हुई है आपको और ड्राइविंग फोर्स दी हुई है एफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कार की आपको और मोमेंटम कार का दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि विच टू आइटम दैट कुड बी यूज टू कैलकुलेट द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द कार। पावर मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए पावर मालूम करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, फोर्स और वेलोसिटी चाहिए आपको, स्पीड। तो स्पीड एंड ड्राइविंग फोर्सेस, जो ड्राइविंग फोर्स जो काफी पावर मालूम करने के लिए, तो लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर फिर डी हो जाएगा, स्पीड एंड ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। बाकी जो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मास वगैरह सब का कोई लेना देना नहीं है पावर से। ऑलराइट, उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। गर्ल ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अ फ्लाइट ऑफ 20 स्टेप्स इन 7 सेकंड्स, ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर हाई, सो व्हाट इज द यूजफुल एवरेज पावर प्रोवाइडेड बाय द गर्ल टू क्लाइंब द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। देखें पावर बराबर है वर्क अपॉन टाइम के, जब आप कुछ क्लाइंब करते हैं तो वर्क किसके बराबर होता है? एम जी एच के। पावर हो जाएगी एम जी एच अपॉन टी। अब मास कितना है? मास है 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9.81 होती है। हाइट जो कवर हो रही है वो है 20 स्टेप्स की हाइट है और हर स्टेप की हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.25 मीटर हाइट हो गई। कितने टाइम में कवर हो रही है? सेकंड, 7 सेकंड्स में कवर। क्या हो जाएगा? 9.81 × 5/7। इसका आंसर बताएं मुझे क्या है? हाँ, क्या आंसर आ रहा है? दोबारा बताओ। 350 point something ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो गया। चलें जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। वर्क डन आप किसको कहते हैं? वर्डन आप कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वर्डन आप कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कहते हैं। ये कह रहा है डिफाइन पावर। पावर को मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? पावर डेफिनेशन थी रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की डेफिनेशन थी रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर वो पार्ट बी में देखें क्या कह रहा है। पार्ट बी में कह रहा है कि फिगर 3.1 शोस पार्ट ऑफ अ फेयर ग्राउंड राइड विद अ कैरिज ऑन रेल्स। द कैरिज एंड पैसेंजर्स हैव अ टोटल मास ऑफ 600 किलोग्राम। द कैरिज इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 9.5 मीटर पर टुवर्ड्स अ स्लोप इंक्लाइन एट 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल। द कैरिज कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अप अ स्लोप टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4.1 मीटर। ये कैरी चलती हुई आ रही स्पीड थी 95.5 मीटर पर सेकेंड। फिर ये एक स्लोप पे चढ़ी, स्लोप पे पहुंच के यहाँ पहुंच गई और यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड क्या हो गई? जीरो। इसने वर्टिकल हाइट कितनी कवर की? 4.1 मीटर की। तो उसने ये डिस्टेंस कितना कवर किया? ये डिस्टेंस आप राइट एंगल ट्राइंगल से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम में आप फोर्स देखें तो आपका परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 4.1 है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस डी है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर होगा 4.1 डिवाइड बाय डी। तो डिस्टेंस डी जो है किसके बराबर होगा? 4.1 डिवाइड बाय साइन 30। इसको डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 8.2 मीटर। तो आपने 4.1 मीटर की हाइट कवर की है तो आपने इंक्लाइन डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना कवर किया? 8.2 मीटर कवर किया। इसको हमने पहले से सॉल्व कर लिया अपनी आसानी के लिए। फिर कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन किलो जूल्स ऑफ द कैरिज एंड पैसेंजर्स एज दे ट्रैवल टुवर्ड्स द स्लोप। जब स्लोप की काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी चीज की वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 600, स्पीड कितनी दी हुई है 9.5 पाई स्क्वायर।
ठीक है, इसको जरा सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। एक जीरो ट्वेंटी सेवन जीरो सेवन फाइव। अच्छा, किलो जूल्स में मांगी है, फिर डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, देगा 27 किलो जूल। तो उसको आप 1000 डिवाइड करेंगे तो 27, सही है, 27 किलो। उसके बाद एक शो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैरी एंड पेस्टोल क्लोज, ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, बराबर होता है एम जी एच के, यानी आपने जो वर्टिकल हाइट दी थी उस पर डिपेंड करता है। अब मास आपका कितना था, मास आपका 6 मीटर, अगर आपको याद हो तो हाइट आपने कितनी गेन की थी, 2.1 मीटर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 600 × 9.81 × 4.1। इसका आंसर पता है कितना आ रहा है, 600 × 9.81 × 4.1। ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड थर्टी टू, ठीक है, उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, 1000 ऐड करके किलो जूल्स में, तो किलो जूल्स में बनेगा 24 किलो जूल्स बन। इट मूव्स अप द स्लोप, यानी कैरिज जब ऊपर जाएगा तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, लॉ किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी, गेन किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पर हम बनाएंगे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे हम कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, बराबर होता है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका है जनाब 27,000 था ना, 27 किलो जूल्स, तो ये आपका है 27 किलो जूल्स, क्योंकि आंसर किलो जूल्स में चाहिए ना, तो मैं किलो जूल्स में लिख रहा हूँ। गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपका 24 किलो जूल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो है वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स बोलूँ, तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, 27 - 24, यानी कि 3 किलो जूल्स। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है 3 किलो जूल्स या 3.0 किलो जूल्स। कह रहे यूज योर आंसर इन पार्ट 3 टू कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द कैरिज एज इट मूव्स अप द स्लोप। देखें अगर आप स्लोप के ऊपर जा रहे होंगे तो रेजिस्टिव फोर्स यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग रही होगी ये मालूम। देखें जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बराबर है 3000 के, यानी 3 किलो जूल 3000। फोर्स आपको मालूम करनी है, डिस्टेंस आपने कवर किया था 8.2 मीटर। स्लोप के ऊपर जब आप फ्रिक्शन मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस आप स्लोप कर लेते हैं, स्लोप पर डिस्टेंस स्लोप पर डिस्टेंस 8.2, डिस्टेंस की जगह आप क्या डिस्टेंस की जगह आप लेंगे 8.2 मीटर। जो फोर्स है वो क्या निकल आएगी, अभी जो फोर्स है निकल आएगी 3000 / 8.2। 3000 / 8.2 का आंसर निकालने देखें कितना आ रहा है, 3000 / 8.2 का आंसर देखें क्या आ रहा है, स्टाफ बताएं। 365.85, यानी 366 करने इसको, तो आप तो जगह 366 न्यूटन्स। फिर कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क होती है ड्यू टू पोजिशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो होती है एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजिशन इन अ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एबिलिटी टू डू वर्क due to position in our gravitational field okay. ability to do due to position in our gravitational field okay. whereas electric potential energy is the ability to do work to position and electric field. ठीक है कि of motion through a distance h near the earth surface use the definition of work done to derive an expression for the gravitational potential energy change of the body. ठीक है देखिए अगर अब जो है अगर हम एक मास को जो है मूव करते हैं वर्टिकली मास को वर्टिकली अगर हम मूव करते हैं ऊपर कितनी हाइट तक h हाइट तक मूव करते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा चेंज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का वो बराबर होगा वर्क डन के बराबर होगा. अब वर्क डन किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के. अब वर्क डन बराबर होगा एफ इनटू एच के क्योंकि आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो एच. यहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे वो फोर्स बराबर होगी ऑब्जेक्ट के वेट डब्ल्यू. अब वेट किसके बराबर होता है एम जी के बराबर होता है तो सिंपली एम जी एच के बराबर हो जाएगा. हम पहले भी टाइप कर चुके हैं आपको ऑलरेडी पता भी है. अब काम का जो सवाल है पार्ट सी है. वाटर फ्लोज डाउन अ स्ट्रीम फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड देन कॉजेस अ वाटर व्हील टू रोटेट एज शोन इन फिगर 4.1. एज द वाटर फॉल थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 120 मीटर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर. एट द वाटर व्हील द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज ओनली 10% ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द रिजर्वायर. सो शो दैट द स्पीड ऑफ द वाटर एज इट रीचेस द व्हील इज 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है आसान जवान में कह रहे हैं कि ये 120 मीटर की हाइट पर रिजर्वायर है वाटर इसमें पानी जमा हुआ है पानी ऊपर से नीचे गिरेगा. पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी लूज होगी और बहुत सारी एनर्जीज गेन होगी जैसे हीट एनर्जी साउंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी. अब खैर उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है ना वो सिर्फ 10% है. अब ये साबित है कि अगर 10% काइनेटिक एनर्जी जो है इस वाटर व्हील को चलाने में इस्तेमाल होती है तो वो जो 10% काइनेटिक एनर्जी इस वाटर व्हील की स्पीड जो है आपको प्रूफ करना है कि 15 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी के बराबर यानी कि आपको नीचे वाटर व्हील पे जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वाटर की वो आपकी जो ऊपर टॉप पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चली उसका सिर्फ 10% है. अब काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम स्क्वायर के. 10% का मतलब है 1/10/100. 10/100 यानी कि 0.1 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एम जी एच के बराबर होती है. एम से एम कैंसिल हो जाएगा ठीक है और 2 से ये 100 कैंसिल होकर 50 हो जाएगा. 10 1s और 10 5s हो जाएगा. v स्क्वायर बराबर होगा किसके 1/5 मतलब 0.2 इनटू g की वैल्यू है 9.81 और हाइट कितनी दी हुई है हाइट आपको दी हुई है 120 मीटर ठीक है. ये स्पीड हो गई अंडर रूट लेंगे अंडर रूट 0.2 इनटू 9.81 इनटू 120 तो उसका आंसर क्या है. अंडर रूट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इनटू 120. इसका आंसर देखो जरा क्या आ रहा है बताओ. 15.3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ रहा है. इसका मतलब बेसिकली क्या होगा इसका मतलब बेसिकली 15 होगा. आपको प्रूफ करना था कि इसकी स्पीड 15 होगी जो कि आपने प्रूफ कर दिया.
फिर ये कह रहा था रोटेटिंग वाटर व्हील इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 110 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर द मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द व्हील assuming that the production of electric energy from the kinetic energy of the water is 25% efficient. ये rotating water जो है, अच्छा इसमें efficiency का सवाल आ गया, efficiency तो भी हमने नहीं पढ़ी है ना, efficiency भी हमने नहीं पढ़ी है ना, तो efficiency में पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद ये पार्ट सॉल्व कर ले, efficiency पढ़ा दूंगा तो ये पार्ट सॉल्व कर लिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए, कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर इज लिफ्टेड आउट ऑफ ऑयल बाय अ वायर अटैच्ड टू अ मोटर Your 5.1 shows two different positions x and y of the cylinder during the lifting process. देखें ये position पहली जो position x है इसमें cylinder का ऊपर की तरफ lift कर रहे हैं cylinder इस वक्त oil के अंदर है और 0.02 meter per second की velocity से ऊपर आ रहा है और दूसरी position में देखें तो ये oil से just बाहर आ चुका है. As the water is fixed to an overhead beam, the cylinder has cross sectional area of 0.018 meter square, length 1.2 meter and weight 560 meter. The density of oil is 940 kilogram per meter. Throughout the lifting process, the cylinder moves vertically upwards with a constant velocity of 0.02 meter per second. The viscous force of the oil acting on the cylinder is negligible. Calculate the density of the cylinder. Density of the cylinder निकालनी हो. I think किसी भी चीज की जो density होती है किसके बराबर होती है? Mass upon volume के बराबर होती है. अब सिलेंडर का मास कैसा आएगा? सिलेंडर का मास सिलेंडर के वेट को डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी से करके इसका वेट दिया हुआ है सिलेंडर. और सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है a इनटू h. बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब देखें सिलेंडर का वेट आपको दिया हुआ है कितना? 560 न्यूटन. उसको डिवाइड बाय 9.81 करेंगे तो इसका मास होगा. वॉल्यूम के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो उसका एरिया कितना है? 0.018 और हाइट कितनी? 560 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड बाय 0.018 इनटू 1.2 क्या आंसर आ रहा है इसका? डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड बाय 0.018 इनटू 2.8 डेंसिटी ऑफ सिलेंडर निकाल लिया. डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको पहले से गिवन है, डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको पहले से गिवन है और 940 है. For the cylinder at position X, show that the upthrust due to the oil is 200 newton. तो कह रहे हैं कि जो X position पर जो ये है, X position मतलब ये है कि cylinder पूरी का पूरा oil में डूबा हुआ है. तब ये show कर रहे हैं कि जो upthrust है वो 200 newton के बराबर है. अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, जब आप किसी solid को एक liquid के अंदर डुबो देते हैं, तो upthrust जो होती है वो किसके बराबर होती है? upthrust बराबर होती है weight of liquid displaced. वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेट बराबर होता है एमजी के और एम किसके बराबर होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के. ठीक है, अब इसमें जो ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसकी होती है? लिक्विड की. लेकिन वॉल्यूम जो होता है किसका होता है? सॉलिड का. ठीक है, क्योंकि अगर आप सॉलिड का वॉल्यूम लेंगे तो उसे पता चलेगा कितना वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस किया है लिक्विड का. तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा, जितने वॉल्यूम के सॉलिड को आप डुबोएंगे लिक्विड के अंदर, उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा ना. अब उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को आप मल्टीप्लाई करेंगे लिक्विड की डेंसिटी से तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय जी करेंगे तो वेट ऑफ लिक्विड आ जाएगा. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है. इसमें देखें डेंसिटी लेनी है आपको, लेकिन लिक्विड की, ये ऑयल की. तो ऑयल की डेंसिटी कितनी है? 940. और वॉल्यूम कितना है सॉलिड का? सॉलिड का वॉल्यूम है 0.018 मल्टीप्लाई बाय 1.2 यानी सिलेंडर का वॉल्यूम. जी के लिए कितनी होती है? 9.81. इसका आंसर क्या आ रहा है? 940 इनटू 0.018 इनटू 1.2 9.8.
राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 200 बन जाएगा, क्योंकि हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, बकल आप लोग इसका आंसर 199.18 आ रहा है, 199.18 को राउंड ऑफ करेंगे तो 200 बन जाएगा, 200 आपको प्रूफ करना था कि इस पर जो अब तक लग रही है वो 200 न्यूटन की लग। ठीक है, कैलकुलेट फॉर मूविंग सिलेंडर एट पोजीशन एक्स द टेंशन इन द वायर। जब ये आपका सिलेंडर पोजीशन एक्स में होगा तो उसमें वायर में कितनी टेंशन लग रही है ये आपको बता। देखें, जब आप पोजीशन एक्स पर होंगे तो आप देखें इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रही है। इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जो कि इसको ऊपर खींच रही है, और ये क्या होगी, टेंशन इन वायर। इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है वेट। इसके अलावा एक और फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है अपथ्रस्ट। तो फोर्स क्या है, अपथ्रस्ट। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये तो यहाँ पे लिखा ना, थ्रू आउट द लिफ्टिंग प्रोसेस द सिलेंडर मूव्स, थ्रू आउट द लिफ्टिंग प्रोसेस द सिलेंडर मूव्स वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, लिखा हुआ है सवाल के अंदर। जब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे। अपवर्ड फोर्सेस दो हैं, टेंशन और अपथ्रस्ट, और डाउनवर्ड फोर्स एक है वेट। तो टेंशन प्लस अपथ्रस्ट बराबर है किसके, वेट के। ठीक है, टेंशन प्लस अपथ्रस्ट जो बराबर है किसके, वेट के बराबर। टेंशन हमें मालूम करनी है, थ्रस्ट हमारी आई थी 199.18, वेट ऑफ सिलेंडर निकालना है, वेट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 560 दिया हुआ है, 560 दिया हुआ है। टेंशन बराबर होगी 560 माइनस 199.18 यानी कि 360। टेंशन जो है 360 न्यूटन हो जाएगी आपकी केबल के अंदर। व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। अब किसी भी लिफ्टिंग प्रोसेस में जो पावर आउटपुट होता है वो बराबर होता है किसके, MGH अपॉन P के बराबर होता है। जब आप किसी चीज को वर्टिकली ऊपर उठा रहे होते हैं तो पावर आपकी होती है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के बराबर है डिवाइड बाय टाइम। इसमें से मैंने आपको बताया था कि H अपॉन T क्या होता है, H अपॉन T होता है स्पीड, पावर बराबर हो जाएगी MG इंटू स्पीड के। MG का मतलब है वेट, तो वेट कितना सिलेंडर का, 560, और स्पीड किस स्पीड से सिलेंडर ऊपर उठ रहा है, सिलेंडर जो ऊपर उठ रहा है वो 0.02 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो 0.020 मीटर पर सेकंड। तो 560 को आप मल्टीप्लाई बाय 0.02 करके देखें क्या आंसर आ रहा है। 560 को मल्टीप्लाई बाय 0.02 करके देखें क्या आंसर आ रहा है। जो मोटर की पावर यहाँ पे यूज हो रही है वो 11.2 वॉट यूज हो रही है, इसका मतलब ये। ठीक है जी, ये कह रहा है द सिलेंडर इज रेज्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरिएशन इफ एनी ऑफ द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर एज द सिलेंडर इज रेज्ड, न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। कह रहे कि जब ये इस पोजीशन एक्स से पोजीशन वाई पर आ जाएगा तो फिर मोटर की पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, इसी स्पीड से कंटिन्यू करना है आपको। नहीं, जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो फिर टेंशन जो है वो और वेट दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अब थ्रस्ट यहाँ पे आ जाएगा, अब थ्रस्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। पहले आपके जो टेंशन वेट माइनस अब थ्रस्ट के बराबर आ रही, लेकिन अब जो है क्या होगा, अब चूंकि अब थ्रस्ट नहीं होगी यहाँ पर, टेंशन वेट संदर्भ में फोर्स ज्यादा हो जाएगी मोटर की, जब फोर्स ज्यादा होगी मोटर की तो वर्क डन भी ज्यादा, जब वर्क ज्यादा होगा तो फिर पावर आउटपुट भी ज्यादा होगी। तो इसका जवाब क्या होगा कि एट पोजीशन वाई देयर वुड be no upthrust of oil acting on cylinder
therefore the tension in cable is now equal to weight of cylinder and the power of motor required is more as the speed remains same, which means more work is to be done. ठीक है जी, देखिए पहले जब आप लिक्विड के अंदर थे, ऑयल के अंदर थे, तो जो आपको मोटर को जो टेंशन देनी थी या मोटर को जो फोर्स लगानी थी पूरी तरह, वो वेट में थ्रस्ट के बराबर लगाना। लेकिन अब आप जो फोर्स लगाएंगे ऊपरी ऊपरी वेट के बराबर लगाएंगे, क्योंकि अब थ्रस्ट नहीं है आप ऑयल की, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी लेकिन स्पीड आपको सेम रखनी है, और स्पीड सेम रखनी है और फोर्स ज्यादा लगानी है तो पावर तो बढ़ जाएगी ना आपकी। पावर किसके बराबर होती है? पावर बराबर होती है एफ इंटू वी के। आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो लेकिन स्पीड आपकी सेम है, तो क्या होगा? पावर आपकी ज्यादा हो जाएगी। द रेट ऑफ एनर्जी आउटपुट मोटर इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर विदाउट कैलकुलेशन एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस। यानी कि मोटर का जो आउटपुट है, एनर्जी आउटपुट है, वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रेविटेशन हाँ भैया, इस सवाल को जरा पढ़ें और बताएं सवाल का क्या जवाब समझ में आ रहा है। बस सवाल समझ में आया, आप लोग ये सवाल में पूछ क्या रहेगा। देखिए सवाल में ये पूछ क्या रहा है, सवाल में ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखिए आप जो है ना मोटर कर क्या रही है, मोटर जो है ना सिलेंडर को ऊपर उठा रही है, मोटर जो सिलेंडर को ऊपर उठा रही है। अब सिलेंडर को ऊपर उठाने का मतलब ये है कि सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और मोटर जो है वो जो एनर्जी खर्च कर रही है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो मोटर एनर्जी खर्च करेगी वो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो फर्ज करेगा मोटर जो है 100 जूल का काम करती है, तो 100 जूल में से 20 जूल जो है वो हीट और साउंड की फॉर्म में जाया हो जाती है, तो बाकी जो 80 जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस करेगी मोटर वो इस्तेमाल होगी टू गेन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हो रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो एनर्जी मोटर प्रोड्यूस कर रही है उसके मुकाबले में, तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये सवाल। तो सवाल का जवाब बहुत आसान है, सवाल का जवाब ये है कि जब ये पोजीशन एक्स पर है, यानी कि जब ये ऑयल के अंदर था, जब ये ऑयल के अंदर था सिलेंडर, तो इसको मोटर से ऊपर नहीं खींच रही थी बल्कि अपथ्रस्ट भी इसको ऊपर खींच रही थी। तो चूंकि जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही थी वो अपथ्रस्ट प्लस मोटर दोनों की वजह से गेन हो रही थी, तो लिहाजा मोटर को उतना काम नहीं करना पड़ेगा इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हो रही है उसका एक हिस्सा जो है वो तो अपथ्रस्ट की वजह से गेन हो रहा है ना। तो मोटर को जो काम करना पड़ेगा वो पार्टली काम करना पड़ेगा, इनके पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मोटर की वजह से गेन होगी और बाकी जो है वो अपथ्रस्ट की वजह से गेन होगी। तो इसलिए जो है मोटर की जो पावर है या जो मोटर के जो एनर्जी का आउटपुट है वो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय सिलेंडर का आउटपुट है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय सिलेंडर है उससे कम होगा।
ठीक है, तो जवाब क्या होगा, सिंस पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिंस पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिलेंडर इज गेन्ड ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल के अपथ्रस्ट की वजह से जो है वो कुछ आप जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल गेन करेंगे, बाकी जो है वो आप मोटर की वजह से गेन करेंगे, इसलिए मोटर की जो एनर्जी आउटपुट है वो आपके जो है पोटेंशियल एनर्जी के गेन के मुकाबले में कम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ये आपकी जो है वर्कशीट नंबर 28 कंप्लीट हो। चलिए अब आगे चलते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे क्या कहलाता है, वो कहलाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब बड़ा आसान होता है, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो आपका यूजफुल एनर्जी आउटपुट है अगर उसको आप डिवाइड कर दें टोटल एनर्जी इनपुट्स, ठीक है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट जिसको अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल एनर्जी इनपुट से, तो ये रेशियो क्या कहलाता है, ये रेशियो एफिशिएंसी कहलाता है, या फिर इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होता है, बराबर होता है यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी का मतलब है टोटल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी का। मैं बताना चाहता हूं कि बात का क्या है, एक्सप्लेन करता हूं कि इस बात का मतलब क्या है। ये मतलब ये है अगर आप एक सिस्टम को तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो एनर्जी इनपुट कहलाती है, इनपुट को कॉल करते हुए सिस्टम दो काम करता है, एक तो काम ये करता है ये कुछ यूजफुल देता है यूजफुल एनर्जी आउटपुट और कुछ एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, वेस्टेड एनर्जी, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइट बल्ब, क्या है लाइट बल्ब, बल्ब के जरिए हमें क्या करना है, इधर में एनर्जी इनपुट देंगे, वो एनर्जी इनपुट क्या होगा, इनपुट देंगे एनर्जी इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, बल्ब का जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी इनपुट होगा, यूजफुल एनर्जी आउटपुट होगा वो होगा लाइट एनर्जी, जैसे बल्ब की लाइट एनर्जी वो हमारे यूजफुल है, जो है ना ये एनर्जी वेस्ट भी करेगा और ये तो वेस्ट है, जो बल्ब गर्म है उससे एनर्जी पैदा होगी, होता क्या है, होता है एक टोटल यानी यूजफुल एनर्जी आउटपुट वेस्टेड एनर्जी, सिस्टम में आउटपुट एनर्जी कितनी मिल रही है और किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इन दोनों का जो सम है वो एनर्जी इनपुट के बराबर होता है, और इसमें से जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी आउटपुट तो आपका यूजफुल आउटपुट एनर्जी आउटपुट है ना, यूजफुल एनर्जी आउटपुट जो होता है आपका, इस यूजफुल आउटपुट एनर्जी को जब आप डिवाइड करते हैं किससे, जब आप डिवाइड करते हैं एनर्जी इनपुट से, ठीक है, जब आप डिवाइड करते हैं एनर्जी इनपुट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये जो एनर्जी इनपुट है तो दोनों
दोनों का रेशियो एफिशिएंसी कहलाता है। बाय द वे यूजफुल एनर्जी आउट टर्म है, रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि सम टाइम्स है आपके लिए जो एनर्जी आउटपुट यूजफुल होगी वो किसी और के लिए यूजफुल आउटपुट एनर्जी नहीं होगी, या आपके लिए जो है वो वेस्टेड एनर्जी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर लाइट एग्जांपल लाते हैं, आउटपुट एनर्जी जो वो यूजफुल आउटपुट एनर्जी है ना, जो लाइट वाली एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से यानी कि एनर्जी इनपुट से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी है, हीट एनर्जी को यहाँ पे इग्नोर कर दें। अब फिर उससे एफिशिएंसी जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर वो क्या आ जाएगी, वो परसेंटेज एफिशिएंसी की स्टोरी है। सर अभी मैंने आपको एफिशिएंसी की स्टोरी सुनाई, अब हम करते हैं कि एफिशिएंसी रिलेटेड एक वर्कशीट जो उसको सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 28 ये थी ना लास्ट में, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। इसकी जो यूजफुल आउटपुट पावर है वो क्या है, वो 120 वॉट है। तो इसकी जो यूजफुल एनर्जी होगी, देखिए पावर जो होती है वो होती है या फिर एनर्जी अपॉन टाइम पे। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपका जो यूजफुल आउटपुट एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, यूजफुल आउटपुट एनर्जी के बराबर होगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के, 120 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो कितनी है, आपकी जो परसेंट एफिशिएंसी है वो 60% है, और आपसे कहेंगे बताओ कि इसकी जो है वो इनपुट पावर कितनी होगी, या इनपुट चले एनर्जी देखने कितनी होगी। इसकी इनपुट एनर्जी होगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी जो होती है वो बराबर होती है इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। यार एक मिनट को नेट डिस्कनेक्ट हो गया है।
ऑल राइट तो हमारे यहाँ तक बात हुई थी कि आपकी जो इनपुट पावर है वो 200 वाट होगी, आउटपुट पावर आपकी 120 वाट। तो इनपुट पावर आपकी अगर 200 वाट है और आउटपुट आपकी 120 है, तो जो 80 का डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा? वो पावर वेस्ट इनपुट बताना है और वेस्ट बताना है, और वेस्ट आपका 80 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ठीक है, सही है। ये आप यार ये नेट ना डिस्कनेक्ट हो और आपको उसमें सही नहीं आ रही होगी तस्वीर भी, बहुत ज़्यादा। कल आप लोग क्लास होती है? कल आप लोग क्लास नहीं होती है, चले परसों की क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।